आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाइड मी एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में कैसे यूज़ करेंगे। तो गाइज़ अगर आप भी जानना चाहते हो हाइड मी एप्लीकेशन क्या है और उस एप्लीकेशन को हम अपने फ़ोन में कैसे यूज़ करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज़ सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा, प्ले स्टोर के अंदर जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद हाइड मी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखा हुआ, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद गाइज इस तरह से जो एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो जाएगी, हमें गाइज यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है एक VPN सर्वर एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपको VPN यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। तो कैसे यूज़ करना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरह से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, यहाँ पर हमें VPN सर्वर को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑटो चूज़ लिखा हुआ, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा और अलग अलग सर्वर हमारे सामने आ जाएगा। जो भी सर्वर आपको कनेक्ट करना है उसके ऊपर सिंपली आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सर्वर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है इसके ऊपर क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पर देखते हो आपको जो है इसके ऊपर क्लिक करना होगा ऑलवेज़ अलाउ के ऊपर, ठीक है ना। ऑलवेज़ अलाउ के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देखते हो यहाँ पर जो है कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर आप कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा हम जैसे वेट करेंगे उसके बाद गाइस यहाँ पर जो भी सर्वर हम सेलेक्ट करते हैं वो सक्सेसफुली हमारे फ़ोन के अंदर जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर देखते हो जैसे परसेंटेज चल रहा है ये कंप्लीट होते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी ऐड शो की, जिसे यहाँ पर आपको जो है ऊपर की साइड से यहाँ से क्लोज़ करना है। ऊपर की साइड से ऐड को क्लोज़ कीजिए और देखेंगे कनेक्टेड लिखा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सो टाइमिंग चल रही है और यहाँ पर कंट्री का सर्वर, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग स्पीड, ये सब कुछ आपको जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस तरह से जो स्विच यहाँ पर चल रहा है, ठीक है ना, और ऊपर की साइड में कनेक्टेड भी लिखा हुआ हमें जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। ऐप्स बायपास सेटिंग्स में रीजनल सेक्टर, लैंग्वेज, शेयर, प्राइवेसी पॉलिसी, फीडबैक, सब कुछ हमें जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस देखेंगे यहाँ पर देखते हो इसकी जो स्पीड है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अब गाइस अगर आप अपने फ़ोन में VPN को कनेक्ट करने के बाद फिर से अपने फ़ोन से डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो डिसकनेक्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर आपको जो इस डिसकनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इसको विल डिसकनेक्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो डिसकनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखेंगे सक्सेसफुली हमारे फ़ोन से जो VPN सर्वर जो है डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप अपने फ़ोन में हाइड मी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं।